जीवन सर्वस्व भी ले तेरी आराधना तेरी स्तुति यीशु मेरे नाम मैं करता हूँ जीवन सर्वस्व भी ले तेरी आराधना तेरी स्तुति पावनी आत्मा मैं करता हूँ जीवन सर्वस्व भी तेरी आराधना तेरी स्तुति पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ, हम धन्यवाद करते हुए उसके पास जाएं, भजन गाते हुए उसे धन्य कहें, क्योंकि हमारा प्रभु शक्तिशाली ईश्वर है, वह सभी देवताओं से महान अधिपति है। हालेलुया 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 हालेलुया। आओ मेरे प्रिय प्रभु के भक्त गणों, हम प्रभु को धन्यवाद दें, सभी कार्यों के लिए उसे धन्यवाद दे, हर छोटी सी छोटी चीज के लिए धन्यवाद दे जो हमारे जीवन में वो करता है। हम उसे धन्यवाद दे कि ऐसा सुंदर सा दिन हमें दिया, हम उसे धन्यवाद दे अपने माता पिता के लिए, हम उसे धन्यवाद दे इतने सुंदर दोस्तों के लिए, हम उसे धन्यवाद दे इस सुंदर से जीवन के लिए, हम उसे धन्यवाद दे और प्रभु से कहें, प्रभु आपने हमें आशीषों से भर दिया है, प्रभु आपका प्रेम अद्भुत है प्रभु, और हम उससे कहें, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, तुझे धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद, आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत है तेरा ये प्रेम अपार, आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत है तेरा ये प्रेम अपार, मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद, मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है, धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो, भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ, उसकी स्तुति करो, उसका नाम धन्य कहो। हालेलुया 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 हालेलुया। हम धन्यवाद देते हुए उसके पास जाएं, उसके मंदिर में प्रवेश करें,
उसके प्रांगण में आ जाए। हम कितनी बार पापों में डूब जाते हैं प्रभु, हम कितनी बार पापों में गिर जाते हैं प्रभु, लेकिन फिर भी तूने हमें सीने से लगाए रखा प्रभु, फिर भी हमें तूने दूर नहीं किया प्रभु। हाँ, हम इसी विश्वास के साथ, इसी भरोसे के साथ हम उसकी स्तुति करें। हालेलुया, 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 जख्मी जो मैं हो गया, बाहों में तूने मुझे ले लिया। पापों से जख्मी जो मैं हो गया, बाहों में तूने मुझे ले लिया। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। थेसलोनियों के नाम पत्र में संत पौलुस हमसे कहते हैं, आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, सभी बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम अपने जीवन में हर समय प्रसन्न रहें, सभी बातों के लिए उसे धन्यवाद दे, हर मुश्किलों के लिए उसे धन्यवाद दे, हर परेशानियों के लिए भी उसे धन्यवाद दे। और हम प्रभु से कहें, प्रभु कई बार हम भटक जाते हैं, हम घोर अंधकार की रास्ते में चले जाते हैं प्रभु, लेकिन वो अंधकार की राह पर तू अपनी रोशनी से हमें सही रास्ता दिखाता है यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें वो रोशनी प्रदान कर यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जैसे 10 कोड़ियों को प्रभु ने चंगा किया था, उनमें से सिर्फ एक प्रभु को वापस लौट कर धन्यवाद देता है। हालेलुया, हालेलुया। हम भी उस एक कोड़ी के समान बने जो प्रभु को निरंतर धन्यवाद देता है, वैसे ही हम भी अपने जीवन में प्रभु को धन्यवाद दें। घोर अंधकार से होकर चलूं, राहों का मेरी उजाला है तू। घोर अंधकार से होकर चलूं, राहों का मेरी उजाला है तू। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। आइए हम उसकी स्तुति करें। हालेलुया, 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 यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। हम प्रभु को धन्यवाद दें कि उसने हम अपने प्रेम से हमें भर दिया है। हम प्रभु को धन्यवाद दें, उसने अपने आनंद से हमें भर दिया है। हम प्रभु को धन्यवाद दे, उसने अपनी शक्ति से हमें भर दिया है। हम प्रभु को धन्यवाद दे, उसने अपनी शांति से हमें भर दिया है। हम सारी आशीषों के लिए प्रभु को धन्यवाद दे, अपने जीवन में प्रभु को साथ लेकर चले।
और अपने जीवन में प्रभु की राह को अपनाएं। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आइए हम अपना बाइबल ले और ले संत योहन का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 24 से 29 तक। ईसा के आने के समय 12 में से एक थॉमस, जो यमल कहलाता था, उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उससे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों का निशान ना देख लूँ, कीलों की जगह पर अपनी उंगली ना रख दूँ और उनकी बगल में अपना हाथ ना डालूँ, तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। 8 दिन बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थॉमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ रखो, देखो ये मेरे हाथ है, अपना हाथ बढ़ाकर मेरे बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। ईसा ने उससे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, भारत की कलीसिया आज संत थॉमस का फीस्ट मनाती है, जुलाई 3 तारीख। जब हम संत थॉमस के बारे में सोचते हैं, हमारे मन में हमेशा एक बात आती है, द डाउटिंग थॉमस, थॉमस जो हमेशा शक करता था। क्या यह टाइटल सही है? अगर हम थॉमस के बारे में, अगर संत योहन के सुसमाचार में आगे भी देखेंगे, थॉमस एक ऐसा व्यक्ति था जो प्रभु के लिए जीने और मरने के लिए तैयार था, तो फिर थॉमस ने यहाँ पर क्यों इतने जिद दिखाए, इतना स्टबर्ननेस दिखाया कि मुझे प्रभु को देखना है, उसे छूना है, उसके घावों में हाथ रखना है। विश्वास में 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होता है देखना, स्पर्श करना और उसे महसूस करना। थॉमस के लिए यह बहुत ज़रूरी था कि वो प्रभु को देखे, उसका स्पर्श करे और उसका अनुभव करे। क्योंकि अगर हम प्रेरित चरित अध्याय 1 पद संख्या 20 और 21 में देखते हैं, जब यूदस जो मर गया उसके बदले में एक शिष्य का चुनाव हो रहा था, तो वहाँ पे कंडीशन ऐसा रखा गया था कि जो व्यक्ति प्रभु को देखा है, प्रभु को सुना है, प्रभु के साथ रहा है, वही शिष्य बन सकता है। यानी थॉमस भी पुनरुत्थान के बाद जो ग्लोरीफाइड जीसस है उसे देखने की ज़रूरत थी, उसे स्पर्श करने की ज़रूरत थी, प्रभु को महसूस करने की ज़रूरत थी। उस जमाने में प्रभु ने यह दर्शन दिया और थॉमस की जिद को भी पूरा किया। उन्होंने थॉमस को थोड़ा सा ज़रूर डांटा, लेकिन प्रभु ने थॉमस की मांग को पूरा किया। वही संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 24 में एमाउस की ओर जाने वाले 2 शिष्यों के बारे में देखते हैं। वहाँ पे प्रभु ने उन्हें देखना स्पर्श करने के बारे में नहीं बताया, प्रभु ने उन्हें इसलिए डांटा कि तुम्हें धर्म ग्रंथ में लिखा जो है वो तुम्हें नहीं पता। ये 3 जन भी प्रभु के शिष्य थे, 2 प्रभु के शिष्य और 1 थॉमस प्रभु का प्रेरित था। प्रेरितों के लिए यह जरूरी था कि वे प्रभु के साथ रहे, प्रभु को देखे, प्रभु को स्पर्श करे, प्रभु को अनुभव करे। इसीलिए ही संत योहन ने अपने पहले पत्र में लिखा कि जिस प्रभु को हमने देखा है, जिस प्रभु को हमने सुना है, जिस प्रभु को हमने स्पर्श किया है, जिसके साथ हम रहे हैं, जिसका अनुभव हमने किया है, उसी के बारे में हम प्रचार करें। लेकिन यह कंडीशन बाकी के शिष्यों के लिए एप्लीकेबल उतना नहीं था जैसे कि हम लोगों के लिए। हमने प्रभु को देखा नहीं है, हमने प्रभु को स्पर्श नहीं किया है। हाँ, हम अपनी आत्मा में, हमारे मन में, हमारे शरीर में प्रभु का अनुभव कर सकते हैं कभी कभी, लेकिन हमने अपनी आँखों से प्रभु को नहीं देखा है।
थॉमस एक प्रेरित था, उसके लिए यह जरूरी था और इसीलिए ही प्रभु ने उसे यह स्पर्श करने का अवसर दिया। लेकिन यहां पर गौर करने की बात यह है कि थॉमस का जो विश्वास था वो पहले भी था और अब वो और दृढ़ बन गया, इसीलिए ही वह कहता है मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। आज की युवा पीढ़ियां हमेशा शक करती है, डाउट करती है, काफी डाउट्स और क्वेश्चंस उनके मन में होते हैं। डाउट और क्वेश्चन हमारे लिए अगर लॉजिकली देखे अच्छी बात है, उसमें कोई तर्क की जरूरत नहीं, हम प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन अगर वह हमारे विश्वास को नीचा कर रहा है तो वह गलत है। प्यारे भाई और बहनों, थॉमस के समय में धर्म ग्रंथ नहीं लिखा गया था। जब थॉमस की मृत्यु हुई तभी पत्रों के द्वारा सुसमाचार कई कई जगहों पर लिखा गया था। थॉमस ने लिखा हुआ एक ग्रंथ उसे नहीं मिला था। आज हम लोगों को प्रभु का वचन है पढ़ने के लिए, हमारे लिए कलीसिया है जो हमें सिखाती है, तो हमारे शक जो है वो हमारे अविश्वास को ज़्यादा दर्शाती है। इसका मतलब यह नहीं कि हमारे मन में शक नहीं होना चाहिए, शक होना चाहिए, लेकिन वह शक की जो क्लैरिटी है वो हमें विश्वास में और आगे मजबूत कर देना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। थॉमस जो प्रभु के ऊपर इतना दृढ़ विश्वास रखता था, इस अनुभव के कारण ही वह इतनी दूर भारत में आकर एक कलीसिया की स्थापना की। आसान नहीं था, भाषा नहीं आती थी, यहाँ की संस्कृति उसे नहीं मालूम, राजाओं से उसकी कोई भेंट या मुलाकात पहले नहीं हुई है, लेकिन जो स्पर्श उन्होंने अपने हाथों से प्रभु के शरीर को स्पर्श किया है, उसकी जो ताकत है, उसका जो पावर है, उन्होंने अपने जान गवा कर दी है। उनकी भी मृत्यु एक भाले से हुई थी। प्यारे भाई और बहनों, जब आज हम संत थॉमस का पर्व मना रहे हैं, कलीसिया हमें सिखाती है दृढ़ बने रहो, विश्वास में दृढ़ बने रहो। आज हम प्रभु को अपनी आँखों से नहीं देख पाते हैं, लेकिन प्रभु ने हमें आश्वासन दिया है, जो बिना देखे ही मुझ पर विश्वास करता है धन्य है वे लोग। हम सब धन्य बने हैं क्योंकि प्रभु को हमने अपनी आँखों से नहीं देखा, लेकिन विश्वास के साथ हम प्रभु पर विश्वास करते हैं। लेकिन हम अपने मन में विश्वास के साथ प्रभु से प्यार करते हैं। हमने जो सुना है प्रभु के बारे में, हमने जो धर्म ग्रंथ में प्रभु के बारे में पढ़ा है, उसी के द्वारा हमें यह नॉलेज प्राप्त होती है। आइए आज हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे विश्वास को भी दृढ़ बनाइए। हम सब जानते हैं कि यीशु ईश्वर है, प्रभु यीशु ईश्वर है, वो हमारे मुक्तिदाता है। लेकिन जिस प्रकार संत थॉमस ने प्रभु को अपना पर्सनलाइज्ड प्रभु, मेरा ईश्वर मेरा प्रभु करकर अनुभव किया, उस अनुभव में हम भी आगे बढ़े। जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया। अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही हे। स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी में उपस्थित प्रभु, तू ही कहता है संत योहन के सुसमाचार अध्याय 10 वचन संख्या 10 में, चोर केवल चुराने मारने और नष्ट करने आता है, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। युक्रिस्तिक प्रभु ईसा नाजरी, तू हमें परिपूर्ण जीवन देने के लिए आया है। तू ही वह प्रभु है जो
जो कब्र में पड़े लाजरुस को पुकारा और लाजरुस कब्र से बाहर निकल आया प्रभु। यस लॉर्ड। तो उस नाइन नगर के युवक जो अर्थी में पड़ा हुआ था प्रभु, उसको जीवन देने वाला प्रभु तू है। हम तेरे सामने आए हैं प्यारे यीशु, हमारी सारी आशाओं को लेकर, सारे दुखों को लेकर, हमारे निराशाओं को लेकर, हमारे रोग और बीमारियों को लेकर, तुझसे नया जीवन प्राप्त करने के लिए, तुझसे चंगाई प्राप्त करने के लिए, छुटकारा प्राप्त करने के लिए प्रभु तूने ही कहा है, यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा। हम तेरे चरणों में आकर तेरे नाम की दुहाई देते हैं युक्रिस्तिक प्रभु। अजित जयंत क्रिकेटर को समर्पित करते हुए, जो पेट के कैंसर से लड़ रहा है प्यारे प्रभु, उसके कैंसर को तू जानता है, उसके कैंसर से तू ही उसे चंगाई प्रदान कर सकता है, क्योंकि तू वह प्रभु है जो रोगियों को चंगाई प्रदान करता है। अजीत जैन क्रिकेटर के सदृश उन सभी कैंसर के रोगों से संक्रमित रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने पवित्र घावों के द्वारा उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर और उन्हें नया जीवन प्रदान कर। एंजेला सोरेन लोगों को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु, सभी शारीरिक रोगों से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर, उसके पढ़ाई में उसे अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, पवित्र आत्मा का प्रज्ञा विवेक दे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। अरीना खलको को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु, पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए प्रभु। समर्पित करते हैं पीटर को, उसके हृदय के रोग से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हे प्यारे यीशु, तेरे हृदय से बह निकले उस लहू की योग्यता से, उस जल की योग्यता से हम प्रार्थना करते हैं। और पीटर के सदृश उन सभी हृदय रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन्हें तू अपने पवित्र हृदय से बह निकले लहू के द्वारा पूर्ण चंगाई प्रदान कर, जो दुख में है, दर्द में है, पीड़ा में। हे अब्बा पिता, हम इन सारे भाई बहनों को तेरे ओर उठाते हुए तेरे पुत्री सा नाजरी के नाम पर मांगते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की आराधना 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 चंगा करने वाला हालेलुया, वो चंगा करने वाला हालेलुया, वो चंगा करने वाला हालेलुया, वो चंगा करने वाला हालेलुया। हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। हे यीशु, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 15 वचन संख्या 19 से हम देखते हैं, जब तू गलीलिया के समुद्र के तट के किनारे पर पहुंचकर पहाड़ी पर चढ़ गया और वहां बैठ गया, भीड़ की भीड़ तेरे पास आने लगी, लोग लंगड़े, लूले, अंधे, गूंगे और बहुत से दूसरे रोगियों को भी तेरे पावन चरणों में लाकर रख देते थे और प्रभु तू उन्हें चंगाई प्रदान करता था। हाँ प्रभु, तू वही प्रभु है जो इस समय पवित्र युक्रिस्तिक रोटी के रूप में हमारे मध्य में उपस्थित है, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे घर में अपनी महिमा प्रकट करने के लिए आया है प्रभु, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट करने के लिए आया है। देख प्रभु, हम इस समय तेरे सम्मुख खाली हाथ नहीं, बल्कि हमारी सारी रोगों को, दर्द और पीड़ाओं को, बंधनों से छुटकारा के लिए तेरे चरणों में लेकर आए हैं अपने प्रार्थनाओं को लेकर प्रभु। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं मरियम कुजूर को समर्पित करते हुए, नवीन और अजित को समर्पित करते हुए, एक शब्द कह दे यीशु राजा और उनके जीवन के सारे बंधन खुल जाए, नशा के बंधन खुल जाए प्रभु। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं यीशु। अन्ना गिल फर्नांडो को समर्पित करते हुए, सभी शारीरिक रोगों से चंगाई दे यीशु। हम प्रार्थना करते हैं देवमन संदेले को समर्पित करते हुए, टीबी के रोग से,
पीलिया के रोग से और हृदय के रोग से पूर्ण चंगाई दे प्रभु। जब तू इन्हें चंगाई प्रदान करेगा तब ये चंगाई प्राप्त करेंगे। जब तू इसका उद्धार करेगा तब इनका उद्धार होगा प्रभु। इनके चंगाई के लिए, इनको उद्धार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं यीशु, वीना को समर्पित करते हुए उसके परिवार के सभी बंधनों से उसे छुटकारा प्रदान कर। यीशु राजा, उसके परिवार में तू शांति लेकर रह और अपनी कृपाओं, अपनी आशीषों से भर दे प्रभु। हम प्रार्थना करते उन सारे परिवारों के लिए जहां अशांति है, दुख है, कष्ट और पीड़ाएं हैं, सैतानिक बंधने हैं, वासना की बंधने हैं, नशे की बंधने हैं, पति पत्नी के बीच में झगड़ा है प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी। उस सारे झगड़े, सारे बंधन तेरे नाम के द्वारा खुल जाए यीशु नाजरी। हम प्रार्थना करते साथ ही साथ उन सभी भाई बहनों के लिए जो बड़ी आशा के साथ इस समय हमारे साथ जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, अपनी प्रार्थनाओं को लेकर तेरी ओर निहार रहे हैं, रोगों से चंगाई के लिए, बंधनों से छुटकारा के लिए और प्रभु बच्चों के जीवन में आशीष के लिए, ईसा मसीह नाजरी व्यवसाय में आशीष के लिए, व्यवसाय में उन्नति के लिए प्रार्थना की आस लगाए बैठे हैं प्यारे प्रभु। उन सभी को समर्पित करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्यारे यीशु, इस आत्मदर्शन संचार केंद्र को जो आर्थिक रूप से, आत्मिक रूप से, आर्थिक रूप से सहायता करते हैं उनके जीवन में, उन्हें 100 गुना आशीष कीजिए प्रभु। इसके लिए हम तेरी दुहाई देते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, अपने परिवार को हम प्रभु को समर्पित करें। हमारे परिवार के सभी समस्याओं को प्रभु को समर्पित करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें। इस आशीष के द्वारा परम प्रसाद में जो यीशु है, तू हमारे घर में आ जा, हमारे परिवार के सभी समस्याओं को दूर कर। इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 जीसस, 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 तेरी स्तुति, तेरी स्तुति, हर बार की सभी समस्याएं दूर हो जाए। ओ प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे परिवार में हो, आपकी उपस्थिति हमारे परिवार में हो। थैंक यू जीसस, 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 शांति देने वाला हालेलुया, वो शांति देने वाला हालेलुया, वो शांति देने वाला हालेलुया, वो शांति देने वाला हालेलुया। अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही